लाइक कीजिएगा बोल दो, लाइक करिएगा, हाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया, और ये इसका रिमोट से ऐसे बटन दबाते तो भी चलता है। साहब देख रहे हो किचन का जो बर्तन है इसमें कितना गंदा जमा हुआ है भाई। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू फ्रेश व्लॉग। तो भाई से व्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी आ चुके हैं अपने हम रूम, आप देख सकते हैं ये हमारा किचन है, छोटा सा किचन। तो सबसे पहले अंदर घुसते हैं, सामान उमान रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई साहब देख सकते हो हम आ चुके हैं 1.5 महीने के बाद अपने रूम। अब रूम का हालत देखो, इस तरीके से पैक करे गए थे हम लोग, क्योंकि रूम हम लोग खाली करने सोचते थे, क्योंकि भाई लॉकडाउन पता नहीं कब खुलेगा, फालतू का रेंट क्यों देना है। भाई आ चुका हमारा ये झाड़ू, हमारा शस्त्र, अब इसी शस्त्र हम पूरा करेंगे साफ। तो भाई साफ करते हैं और आप इंजॉय कीजिए एक कॉमेडी सा टाइम लैप्स। आप लोग को दिखा होगा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम लैप्स, लेकिन मैंने फाइनली रूम को साफ कर दिया है। ये है हमारा जादू, अब साफ तो कर दिए हैं, अब देखते हैं किचन को साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि भाई वो अकेले, हम सब अकेले क्यों करें भाई, वो भी रहता है रूम में, वो भी करेगा। और वो कौन है मैं आपको आने के बाद बताऊंगा, दिखाऊंगा कि वो कौन है। आने के बाद सब कुछ कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं और छोड़ के चला गया। तो भाई साहब क्या मेरी ऑडियंस जो है मैजिक देखना चाहती है? आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर कुछ अभी मैंने अरेंजमेंट नहीं किया है, साफ सफाई करके कुछ नहीं किया है। अब 1 2, तो भाई साहब आप देख सकते हो कि ये रूम कुछ इस तरीके का नहीं था, लेकिन अब मैंने इस तरीके का बना दिया। साहब देख रहे हो किचन का जो बर्तन, इसमें कितना गंदा जमा हुआ है भाई, ओ माई गॉड। ये भाई साहब अपना सामान को किचन में छोड़ के गया हुआ है, तो किचन का सारा सामान को पानी उनी मार देते हैं, पानी मार के इसको थोड़ा साफ करके फिर वापस से रख देते हैं। तो भाई साहब देख रहे हो इतना सामान मैंने धो दिया भाई, इतना पसीना तो देख ही रहोगे, ये है मेहनत का पसीना भाई, क्योंकि भाई बैचलर रहते हो, हॉस्टल में रहोगे तो यही है, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। घर में तो सेट जैसा मिल जाता था सब कुछ, मम्मी सब कुछ दे देती थी, लेकिन यहाँ पर सब आटे दाल का भाव पता चल जा रहा है कितना मेहनत लगता है काम करने में। तो सैल्यूट है सभी की मम्मियों को कि आप बहुत मेहनत वाला काम करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं नीचे इतना गंदा है, सबको थोड़ा सा खाली करते हैं, साफ करते हैं, पूरी तरीके से क्लीन करते हैं। भाई साहब आप ही देखो, इतना धूल था कि मुझे मास्क तक लगाना पड़ गया यार। देखो पहले कैसा था और अभी कैसा है, मैंने कर दिया सारा कुछ साफ, अब रूम तो साफ हो गया भाई, लेकिन पसीना चलते मैं हो गया हूं गंदा। सबसे पहले मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने में बैठते हैं हम लोग खाने के लिए। तो भाई साहब अपन हो गए फ्रेश, आप देख सकते हो बालू सारा भींगा हुआ है, अपन हो गए फ्रेश अच्छे से। अब मम्मी यहाँ दे दी थी खाना, तो भाई थैंक यू मम्मी, इतना भूख लग गया था, पता नहीं था कि इतना ज्यादा भूख लग जाएगा। तो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर आपसे हम मुलाकात करते हैं। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं शाम के 6 और यहाँ पर स्लाइट चेंज इतना प्लान हो गया है, जहां पे अरविंद अभी रूम में नहीं आ रहा, जो मेरा दोस्त जो आने वाला उसका नाम है अरविंद, तो अरविंद रूम में नहीं आ रहा क्योंकि मैं जो अपना ट्रॉली जो लगेज था कोविड से पहले मैं अपने अंकल के घर में रख दिया था, तो अभी मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि 15 तारीख से हमारा जो है वो है एग्जाम। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे बेसिकली मैं पढ़ाई करता हूँ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मैं MBA कर रहा हूँ, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो सब कुछ इसी तरह का सीन है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लगेज लेने के लिए, तो आज रात में वहीं स्टे करूंगा, फिर कल सुबह यहाँ पे मैं आऊंगा, तो अभी निकलते हैं। तो भाई साहब अभी हम आ गए हैं ऑटो लेने के लिए रोड से, अब ऑटो लेते हैं यहाँ से और निकलते हैं, अब ऑटो का वेट करते हैं। साक्षी, तो भाई साहब अपन आ चुके हैं साक्षी चौक, साक्षी चौक आने के बाद अब हम जा रहे हैं वहाँ ऑटो स्टैंड, वहाँ ऑटो स्टैंड सबको मिलेगा आदिपुर का,
ऑटो, तो आदित्यपुर का ऑटो में बैठते हैं। अब ऑटो में ऑटो बैठे या फिर रैपिडो लेंगे, देखते हैं। क्या रैपिडो में 50 रुपये बोल रहा है और हमको आदित्यपुर वहाँ से सिर्फ 20 रुपये में पहुँचा देगा। तो भाई साहब अपन जो पहुँच चुके हैं एस टाइप चौक, अब एस टाइप से इस गली में जाना है। एस टाइप हो गया उधर और हम लोग को जाना है इधर। अब उज्जवल कितने देर में आता है? आ गया उज्जवल, तुम बहुत देर इंतजार कराया उज्जवल हमको। तुम अरे उज्जवल का ब्लॉग बन रहा है, बाप रे बाप। चलो उज्जवल बैठाओ हमको साइकिल में। भाई साहब साइकिल में राइड लेने का मजा ही कुछ और है। पर साइकिल में दिक्कत ये है कि इसका जो सॉकर है बहुत जोर से लगता है, जैसा रोड है ना उस हिसाब से तो बहुत खराब। लोहा में बैठे हुए भाई, लोहा में तो और जोर चोट लगता है। तो हम आ चुके हैं घर, उज्जवल लगा रहा उधर साइकिल, वो हम चलते हैं ऊपर क्योंकि ऊपर भाई साहब इंतजार कर रहा होगा एको बितना। बाबू ये रहा बितना। ये रहा मेरा बितना। हम इसी बितना का बात कर रहे थे। बच्चे को देखें आप इस तरीके से मोबाइल चलाते हुए। पता नहीं ये बच्चा क्या देखता है, मतलब क्या देखता है यार, तुम बता दो मोबाइल में। ये हर समय ये लड़की बच्चे का व्लॉग देखता है, क्या देखता है नहीं समझ में आता। क्या इसमें क्या बताया जाता है? परी। परी और क्या बताया जाता है इसमें? हाँ क्या बताता है? टेडी पापा। हाँ तुम व्लॉग देखता है मेरा? हाँ अगला व्लॉग में तुम भी आएगा। हाँ दीला व्लॉग में तुम भी आएगा। अब कहाँ भाग रहा है? मच्छर है, मच्छर है? हाँ। तो मच्छर क्या करता है तुम? हाँ काटते हैं मच्छर। मच्छर ये बच्चा बहुत अमास है। ये मेरा सबसे छोटा सब्सक्राइबर है, मेरा हर दिन मेरा व्लॉग देखता है। ये पुराना है? पुराना था। तू मेरा व्लॉग बना रहा है? देखिए मेरा घर का छोटू व्लॉगर ये मेरा व्लॉग बना रहा है। उसे भी मेरे बाद में ऐसा कवर था। ऐसा कैसा कवर था? ऐसा। हाँ। ओ नहीं गिरेगा? और ये गाड़ी किसका है? ये गाड़ी खिलौना वाला गाड़ी किसका है? ये मेरा था। इतना कैसे कैसे चलता था ये वाला? ये हाँ एक तो बैटरी था इधर। तो बैटरी क्या हो गया? बैटरी ऐसे ऑन होगा देखिएगा। हाँ तो बैटरी हो क्या गया? हो रहा है। अच्छा बना रहा है अभी, इंजीनियर बना है ना ये बना रहा है। बन गया। अरे बन गया, लाइट जल रहा है और ये इसका रिमोट से बटन दबाते तो बेल चलता है। ओले 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 ओले। तो रिमोट कहाँ है इसका? रिमोट तो नहीं है। रिमोट नहीं है? क्या कर दिया रिमोट को तुम? टूट गया है। अरे जा नहीं कर ना इसको, कितना बदमाश बदमाश को देखो। कैसे पता था कि हम आने वाले हैं? बोले थे। किसने बोले थे? ब्लॉग में बोले थे। तो मेरा ब्लॉग पूरा देखा था? खत्म हो गया था। तो मुंह का छुपा रहे? इधर आओ। देखिए बच्चा को एडमिशन हुआ है अभी अभी स्कूल में। इस बच्चा को सब कुछ पता। नया स्कूल खुल रहा है ना, तुम एडमिशन ले लिया ना? अच्छा स्कूल में। हाँ इसका एडमिशन हो गया है संत मैरिज जमशेदपुर में, वहीं पे जाएगा। देखिए मेरा ब्लॉग कैसे देखता है ये देखिए। देखिए कितना मस्त। देखूंगा ना, वीडियो बना रहे तुम्हारा। पता चल गया। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं रात के 11, तो सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट। अब एडिटिंग वेडिंग सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट। तो ये बाबू भी आया है अभी आपको गुड नाइट बोलने के लिए। तो बाबू अगर इन लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो ये लोग क्या करना है? लाइक करना है बोल दो। लाइक कीजिएगा बोल दो। लाइक करिएगा। हाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी लोग हैं इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए गुड नाइट बाबू ने बोल दिया। मिलते हैं इसी तरह नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, साइनिंग आउट।